नहीं रही वैजयंती की माँ। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार प्लस के पॉपुलर शो मिट्टी से बंधी एक डोर के बारे में, तो जहाँ पे शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि वैजयंती की माँ हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैजयंती के घर में आग लग जाती है और इसी वजह से उसकी माँ उस आग में जल जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। वैजयंती की माँ वैजयंती को बुलाती है और कहती है कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे भगवान माफ़ नहीं कर पाएगा, मुझे तू माफ़ कर दे। वैजयंती अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, आप बोलिए मत, आप शांत रहिए। वैजयंती की माँ फिर भी उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वैजयंती की माँ की सांसें फूलने लग जाती है। वैजयंती जोर जोर से चिल्लाती है डॉक्टर्स को। तभी वहाँ पे रणविजय आ जाता है और वैजयंती की माँ की ऐसी क्रिटिकल हालत देखकर डॉक्टर को आवाज़ लगाने लग जाता है। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैजयंती वहाँ से बाहर नहीं जाती है अपने माँ को मिले बिना। माँ के पास ही वो खड़ी रहती है। तभी रणविजय आता है और वैजयंती को बाहर ले जाने लग जाता है कि तभी अचानक से पीछे मशीन से आवाज आती लग जाती है और वैजयंती पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। हो गई है वैजयंती की माँ की मौत और वैजयंती है बड़े ही सदमे में। वो जमीन पर गिर जाती है अपनी माँ की मौत को देखकर। वहीं पे घर वाले भी सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। हर कोई जो है फूट फूट कर रोने लग जाता है। खोलो। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनके साथ ही कंपनी में उनके लिए जरूरी है। छोड़ दो उसका। आप गिरा मशीन डाउन।
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.